जीने के लिए सबसे जरूरी तीन चीजें, हवा, पानी और खाना। अगर सही तरीके से ये तीनों ना मिले तो जीवन नर्क से बदतर बनता है। कुछ इसी तरह का नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं शहर के आदमपुर छावनी के आसपास के गांव के लोग। आदमपुर छावनी में निगम ने कचरा डंपिंग जोन बना दिया और इसके बन जाने के बाद यहां रहने वाले लोग हर दिन मौत का घूंट पी रहे हैं। मेरे पीछे ये पहाड़ देख के अगर आपको गलत फहमी हो रही है कि मैं किसी पहाड़ी इलाके पे या किसी हरियाली वाले इलाके पे हूँ तो मैं आपकी गलती सुधार दूँ। नहीं, मैं भोपाल के आदमपुर छावनी में बनी ये कूड़ा कचरा खंती में हूँ। और आप देख सकते हैं ये जो कूड़ा कचरा खंती बनाई गई थी, अब ये जो कूड़े का ढेर है वो पहाड़ में बदलता हुआ जा रहा है। ये पहाड़ जो है ये केवल कूड़े का जो ढेर है ये केवल इतने तक सीमित होकर रह जाता तो बात अलग है, लेकिन यहाँ के जो लोगों के घर में दोपहर की बात करें तो मक्खियों का डेरा रहता है और रात की बात करें तो मच्छर सोने नहीं देते हैं। तो आम इंसान जो है यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अभी हम यहाँ के जो आसपास के लगे हुए गाँव है वहां चलकर देखेंगे कि आखिर किस तरीके से लोगों को जो परेशानियां हैं वो किस तरीके से हो रही है और क्या कुछ लोग कर रहे हैं और आखिर नगर निगम है कहां। मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, और यही अधिकार राजधानी के आदमपुर छावनी में रह रहे लोगों से छीन लिया गया। दरअसल दो साल पहले भानपुर कूड़ा खंती को बंद कर आदमपुर में कचरा डंपिंग क्षेत्र बनाया गया, लेकिन निगम ये भूल गया कि एक क्षेत्र की परेशानी खत्म करने के चक्कर में दूसरे क्षेत्र के लोगों को भारी संकट में डाला जा रहा है। आलम यह है कि कचरा डंपिंग क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को घुटन भरा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कूड़े के कारण यहाँ मक्खी, मच्छर, सांप और दूषित पानी से लोग परेशान हैं। खाना खाना भी यहाँ के लोगों के लिए एक मुसीबत भरा काम बन चुका है। बहुत परेशानी है, हम मच्छर से परेशान, कीड़ा मकोड़े से परेशान, जो सांप से सांप जो निकलता है उनसे परेशान, सबसे परेशान है। आपके यहाँ कूड़े का पहाड़ है, हम अपनी लड़की आपके यहाँ मरने के लिए नहीं देंगे। सुनने में भले ही आपको अटपटा लगे लेकिन ये सच्चाई है आदमपुर में रहने वाले लोगों की। यहाँ रह रहे नौजवानों से कोई शादी करने को तैयार नहीं, जहाँ भी रिश्ता होता है वहाँ से बस यही जवाब सुनने को मिलता है। और जिन लोगों की शादी हो गई है उनकी पत्नियां उन्हें इस वजह से छोड़ गईं कि वो इस नरक भरी जगह पर और रहना नहीं चाहती। अब हमारी शादी की मना कर दिया, अभी शादी की बात हो रही थी मेरी, मना कर दिया। अभी हमारी बहू मिसेस चल गई, बच्चे बच्चे लेके। 500 लोगों के घरों की बस्ती आज उजड़ कर रह गई। डंपिंग जोन बन जाने से यहाँ मात्र 50 घर बच पाए। आज स्थिति यह है कि लोगों के घरों पर ताले लटक गए, वो पलायन करके दूर दराज के गाँव की तरफ कूच कर गए, और बाकी बचे लोग जिन्हें प्रशासन की तरफ से मुआवजा नहीं मिला वो यहाँ बीमारियों से घिरे रहते हैं। यहाँ लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, हैंड पंपों से निकलने वाला पानी भी काला और बदबूदार है, यहाँ तक कि पानी में इल्ली तक निकलती है। भोपाल महापौर का कहना है कि उनको सूचना मिली वो जल्द ही कुछ करेंगे, पर सोचने वाली बात यह कि महापौर को तो लोगों की बदहाली की सूचना अब मिली तो वो हालात कब सुधारेंगे, इस बात का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। जिस स्थान पे आदमपुर छावनी खंती शिफ्ट की गई है वहाँ पे जो पीने का पानी है वो भी कहीं ना कहीं दूषित हुआ है, इसकी शिकायत भी हमको मिली है। विजिट करके उसका हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। नई बसावटें आगे बढ़ती गई, इसीलिए हमने एक वाटर ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है जिसका टेंडर भी हो चुका है। अच्छा जीवन जीने के सपने के लिए आदमपुर छावनी के लोग बस संघर्ष करे जा रहे हैं। अपने नसीब को कोसते इन लोगों की आंखों में बस अब एक ही आस बची, कोई तो चमत्कार हो जो इनका जीवन एक बार फिर खुशियों से गुलजार कर सके। IBC 24 के लिए भोपाल से आकांक्षा शर्मा की रिपोर्ट। घरों पे लगे ताले, उजड़े हुए घर, ये साफ बताते हैं कि यहाँ के हालात क्या है। लोग यहाँ अपनी लड़कियां देने को राजी नहीं हो रहे हैं, यहाँ की लड़कियां लेने को राजी नहीं हो रहे हैं, नगर निगम सुन नहीं रहा है, लोगों को लिए पीने का पानी नहीं है। आप देखना ये रहेगा कि आखिर यहाँ के लोग आगे अपना जीवन किस तरीके से जीते हैं, क्या कोई रोशनी की किरण इनके लिए भी आएगी, क्या कोई शासन की ऐसी योजना आएगी या कोई ऐसी मदद आएगी जो इनके जीवन को और सुगम बना दे। कैमरामैन अमरीश लिलारिया के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल।